ओके, वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। तो यार, अपने अब तक क्या बात कर रखी थी? हमने केमिकल प्रॉपर्टी में बात कर रहे थे हम। इसमें मैंने आपको फर्स्ट रिएक्शन करवाया था लिप्टोफिलिक में। हम भी कर रहे थे लिप्टोफिलिक रिएक्शन की बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने रिएक्शन जो किया था वो अपना ब्रोमिनेशन था, ब्रोमिनेशन। एंड देन देखा हमने नाइट्रेशन कैसे होता है, हाँ, अपने एनलिंग के ऊपर। और हम थर्ड आज बात करने वाले हैं सल्फोनेशन के ऊपर, लाइक सल्फोनेशन कैसे कराए। यार, आप लोग को पहले समझ में आना चाहिए सल्फोनेशन होता क्या है। देखो, जैसे आपको बताया मैंने, यहाँ पे ब्रोमिनेशन में Br का एडिशन होता है, नाइट्रेशन में NO2 का एडिशन होता है, सेम टू सेम उसी तरह यहाँ पे सल्फोनेशन में क्या होता है कि हमारे पास SO3H ग्रुप का एडिशन होता है। मतलब जो आपका बेंजीनिंग होती है वो क्या करती है, वो यहाँ पे SO3 के साथ अटैच होती है, क्लियर। और यहाँ पे हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं क्या, H2SO4। क्योंकि ये SO3H देख के आपको कहीं ना कहीं फील आता होगा यार H2SO4 का, और H2SO4 ही यहाँ पे यूज करते हैं। और हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इस रिएक्शन को हम लेते हैं एनिलीन अपना, इसको हम एक टाइट कंटेनर में पैक करते हैं लाइक एक सिंपल। और यहाँ पे हम कंसनट्रेट H2SO4 लेते हैं, और लेके हम सिंपल इसको हीट करते हैं। हीटिंग कब, कितने टेम्परेचर पे होती है यहाँ पे? देखो, हीटिंग स्टार्टिंग में हीट नहीं करते हैं एक्चुअली, स्टार्टिंग में हम हीट नहीं करते। हम क्या करते हैं, पहले उसको थोड़ा डाल के थोड़ा उसको सेक कर लेते हैं, ताकि जो रिएक्शन हो वो इवनली, मतलब जो जितने आपके रिएक्टेंट, मतलब सब कुछ इवनली मिक्स हो जाए। और क्या होता है कि इसमें थोड़ी ही देर बाद हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप का कंपाउंड मिलता है, NH3+ और HSO4- करके। ये क्या होता है, इस तरह का सॉल्ट होता है जो कि होता है इंटरमीडिएट करके, इंटरमीडिएट सॉल्ट जो कि थोड़ी देर के लिए बनता है। और मान लो आपने क्या किया, इसको अपने हीट कर दिया 453 से लेके 473 तक। तो यहाँ पे हीट करते क्या होगा कि आपको बेसिकली हमारे पास ये NH2 आता है, और ये आपका होता है SO3H, ऐसा कुछ इस तरह से। हाँ, हमने क्या किया, सिंपल पहले हमने कंपाउंड लिया, फिर उसको हमने कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ क्या किया, थोड़ा सा मतलब ऐसे सेक किया। सेक करने पे क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म हो गया। और जैसे हमने सॉल्ट को हीट किया 453 से 473 केल्विन पे, देन वी विल गेट दिस प्रोडक्ट यहाँ पे। और यहाँ पे मजे बात क्या होती है, यहाँ पे एक बहुत ही मजे की बात होती है कि आपके पास ना ये जो रिएक्शन ये एक्चुअली, देखो हमारे पास यहाँ पे ये लोन पेयर है और नीचे H+ है। तो क्या होता है, ये जो लोन पेयर, लोन पेयर ये जो एच है, ये एच चल जाते हैं नाइट्रोजन के पास। और यहाँ पे क्योंकि पता है नाइट्रोजन बहुत बड़ा दानी है, हाँ भले ही वो पछताता लास्ट में, बट फिर भी देता है वो। क्या उसने मान लो क्या किया, उसने मान लो इस एच को ले लिया अपनी तरफ, अपने मान लो उसने क्या किया, इसने इस बस को अपनी तरफ ले लिया। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा SO3-, यहाँ जाएगा NH3+ करके। और ये जो कंपाउंड है, ये देखो गया तो न्यूट्रल कंपाउंड है, इसलिए आपको लग रहा होगा इस पर चार्ज है, बट ध्यान से देखो ये चार्ज कैसे हैं, इक्वल और अपोजिट है। तो इसी को बोलते क्या हम, ज्विटर आयन। आपने अपने एक चैप्टर अपने पढ़ा होगा प्रोटीन करके, अमीनो एसिड वाला, उसमें हमने ज्विटर आयन का बात की थी मैंने। तो वो कंपाउंड जिस पे प्लस माइनस चार दोनों प्रेजेंट हो, हाँ, उसी का नाम होता है अपना ज्विटर आयन करके, ज्विटर आयन। इस तरह से हमारा ये सल्फोनेशन पार्ट खत्म होता है। आपको एग्जाम में अगर आएगा कि प्रिपेयर ज्विटर आयन फ्रॉम दी अनिलीन, देन आपको ऐसे रिएक्शन करवानी है। सिंपल रिएक्शन है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बस ये आपको धारणा है कि यहाँ पे हमारे पास ये स्टेप है, ये बनता है पहले। अगर आपने इसको भूल गए आप, तो फिर आपका गेम ओवर, मतलब आपके मार्क्स कट जाएंगे फिर। यार अरे पे मार्क्स कटने बहुत दुख होता है उस केस में, मार्क्स कटने नहीं चाहिए किसी के भी, क्लियर। ओके, आ जाओ यहाँ पे नोट करके देखो, कुछ नोट वाली बात कर लेते थोड़ा। देखो, अभी आपने देखा होगा यार कि देखो, जब कभी भी ना, जब कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का नाम आता है ना, उस केस में आपको पता होगा कि फिडल क्राफ अल्काइलेशन, अल्कालेशन और फिडल क्राफ एसाइलेशन, ये दोनों रिएक्शन बहुत चर्चे में आती है, मतलब लोग करवाते हैं ज्यादातर। बेंजीनिंग में फिडल क्राफ अल्कालेशन और एसाइलेशन बहुत फेमस है, बहुत फेमस। लेकिन हमने यहाँ पे रिएक्शन नहीं करवाया इनका, क्यों? क्वेश्चन होता है ना पे, तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि वाई 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 एनलिन एनलिन डू नॉट गिव फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन अल्काइल, वहां पे लिखा मैंने क्वेश्चन यहाँ पे, और उसका आंसर भी लिखा मैंने आपसे। कि जो पैनलिन होता है वो क्यों फील्ड ग्राफ अल्कालेशन और एसाइलेशन नहीं देता। देखो, तो देखो यहाँ पे वही बात आ गई सिंपल। हमारे पास मान लो एनलिन है, तो आपको पता है एनलिन एनलिन क्या होता है, एक तरह का बेस होता है, एक तरह का बेस होता है। तो जो हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं अल्कालेशन के अंदर, आपको पता हो तो फील्ड ग्राफ अल्कालेशन में एसाइलेशन में, उस कैटलिस्ट का नाम होता है AlCl3 करके, AlCl3, पता है आपको। और एल्युमिनियम के पास क्या होता है, देखो एल्युमिनियम क्या होता है, ये पैदाशी भिखारी होता है, मतलब कि एल्युमिनियम हो गया आपका, बोरोन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे लुईस एसिड होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। और
क्या होता है यहाँ पे कि देखो ये गरीब है, जैसे अपने देखा, जैसे मान लो देखो, अब मान लो आपने देखा पे एल प्लस देखा, प्लस चार्ज आना और वैकेंट ऑर्बिटल होना दोनों एक ही बात, एक तरह का मतलब ये तरह का एक लुईस एसिड, क्यों? क्योंकि लिए और आप चेक करो आप यहाँ पे अच्छे से, आपको दिखेगा कि जो एल है उसने बस खाली यहाँ पे उसके सराउंड में खाली बस सिक्स एटम है, सिक्स इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इसका ऑक्टेट कम्प्लीट नहीं है। तो क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन है ये इसका ऑक्टेट कम्प्लीट करने जाता है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही रिएक्शन होती है तो ये एन और यहाँ आपका एस टू और हमारे पास यहाँ पे ए एल सी एल थ्री हो जाता है, इस पे आया था सिंपल प्लस चार्ज, इस पे आता माइनस चार्ज, क्लियर? तो भैया यहाँ पे हमारा जो अमीनो ग्रुप था एन एस टू, उसी का तो मेन काम था, मान लो वही नहीं रह गया तो फिर रिएक्शन कैसे होगी? जैसे पता है आपको तो कोई भी कंपाउंड की पहचान क्या होती है, फंक्शन ग्रुप। और यहाँ पे क्योंकि कैटलिस्ट से ही उसका काम तमाम हो गया, मतलब कैटलिस्ट जो हम यूज कर रहे थे अपना अल्कलेशन के लिए वो तो यहाँ पे काम आ गया, और कैटलिस्ट बचा ही नहीं, फिर कैटलिस्ट बचा नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो दैट्स वाई इसके बारे रिएक्शन नहीं होती। और यही रीजन है कि इसको हम प्रीफर नहीं करते, क्योंकि लिए एनहाइड्रस एल सेल थ्री महंगा आता, सस्ता नहीं होता वो, क्लियर? और जो आपका एनहाइड्रस एल सेल थ्री होता है एक्चुअली एक्चुअली वो रिएक्शन के लिए काम आता है, और उसको आप यहाँ ले रहे हो, मतलब जो कंपाउंड अपना वो उसको यहाँ ले रहा है, तो दैट्स वाई ये रिएक्शन वहाँ पे प्रीफर नहीं होती। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। देखो अब क्या होता है ना कि हम नेक्स्ट टाइम बात करने वाले हैं अपना, जो हमारा लास्ट बचा टॉपिक अपना, इसका नाम है डायजीनियम सॉल्व करके। हाँ, और हमने अब तक सारी चीज़ें कर रखी है पूरा, तो आपको करना है कि आपको एक साथ में नोट्स रिवाइज करने प्रॉपर। अभी मैं लूंगा इसकी लास्ट वीडियो हमारी होगी, ये सेकंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं आपको एक वीडियो लूंगा, एक सिंपल बनाएंगे हम, जिसमें आपको मैं पूरे मतलब सारे जैसे आपका जो डायजीनियम सॉल्ट वाला पोर्शन है वो करा दूंगा आपको मैं। और डायजीनियम सॉल्ट से लिख लो, आपको कहीं लिखना हो तो उसमें वहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है, जैसे एजोडाइव हो गया, वो सब चीज़ें वहीं से आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कन्वर्जन में भी काम आएगा वो, आपको कन्वर्जन में भी बहुत काम आएगा वो। तो क्या करो आप लोग, इसको अच्छे से लिखो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम होगा डायजोनियम सॉल्ट करके। डायजोनियम सॉल्ट बोल दो या बोल दो सिंपल बीडीसी, बेंजीम डायजोनियम क्लोराइड, एक ही बात है। तो मिलते फिर हम कल नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए बाय।